नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। जिस प्रकार से पारा बढ़ रहा है और गर्मी का प्रकोप जो है वो आए दिन बढ़ता जा रहा है, और वहीं बढ़ती हुई गर्मी से निजात पाने के लिए बच्चे अलग अलग तरीके जो हैं अपनाते हैं, और वहीं बढ़ती गर्मी जो है वो संदीप की जान की दुश्मन बन गई। गौरतलब है जिस प्रकार से खबर आ रही है, ये खबर फ्लाम मंडाल के इलाके की है, सतवारी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, जहाँ पे संदीप नामक 13 वर्षीय 9वीं कक्षा का जो छात्र था वो स्कूल से आने के बाद जो है वो तवी नदी में नहाने जाता है ताकि इस गर्मी से बचा जाए, लेकिन उसके बाद जो है वो वहाँ पे पानी में बह जाता है। उसके बाद टीआरएफ की मदद से उसका शव जो है वो बाहर निकाला जाता है, और जब से ये जानकारी मिली है तब से उनके पूरे परिवार में मातम का माहौल छाया। और जिस प्रकार से तपती गर्मी में हमने देखा कि लोग जो है निजात पाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, वहीं जम्मू की बात करें तो जहाँ पे दरिया में, तवी में या नहर में नहाने का भी एक प्रचलन है, लेकिन वहीं कई बार देखा गया है कि वहीं गर्मी से बचने के लिए इस प्रकार के जब तरीके अपनाए जाते हैं बच्चों द्वारा खासतौर पर तौर पे, तो उनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। जिस प्रकार से जानकारी आई है, जो 9वीं कक्षा का छात्र था संदीप कुमार, और महज 13 वर्ष की आयु थी, और फ्लाम मंडाल इलाके से जो है वो ताल्लुकात रखता था, और सतवारी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो था वो इनका इलाका आता था। वहीं बात की जाए पिछले वर्ष की, तो पिछले वर्ष भी लगभग 2 जो बच्चे थे उनकी जान इसी प्रकार से गर्मी से बचने के लिए जब वो नहाने जाते हैं तो वो उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। अभिभावकों से, माता पिताओं से यही अनुरोध है कि अपने बच्चों को जो है वो इस प्रकार से बाहर ना जाने दें, और ख़ासकर स्कूल में जिस प्रकार से अभी टाइमिंग बदल दी गई है, लेकिन फिर भी जो गर्मी है वो इस समय बढ़ती जा रही है, और उस टाइमिंग से भी कहीं ना कहीं जो है वो निजात अगर कही जाए तो वो नहीं मिल रही है, और बच्चों को नहर में, दरिया में, जहाँ तवी में नहाने के लिए ना भेजें। अगर भेजते हैं तो खुद भी साथ जाएं, क्योंकि इस प्रकार की अप्रिय घटना हो सकती है जिससे जो है वो अब ये जो क्षति हुई है, ये क्षति तो बहुत बड़ी है, अब इस क्षति को तो किसी प्रकार से कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर टाइमली अगर इसके ऊपर ध्यान दिया जाता और उनको रोक दिया जाता तो शायद ये चीज़ ना होती। बहरहाल देखते हैं, ग्रेट जम्मू कैमरा मैन पंकज सीरिया, जय हिंद।